सब चीज का एक माहौल रहता है। मोदी की ढल गई, जाने वाले आंदोलन इंदौर में किया, भोपाल में भी किया, लेकिन अब दिल्ली की तरफ जाने की हमारी मांग है। कोई बहाने मिल रहा है, किसान पूरा असंतुष्ट है, तो इसलिए ये चाह रहे हैं कांग्रेस सरकार पर मजबूरी आंदोलन करना पड़ रहा है। इनको पता ही नहीं है, मोदी मोदी करते रहते हैं, इनको जानकारी कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान, हम लोग मध्य प्रदेश में हैं और ये तमाम वो युवा हैं जो राहुल गांधी से मिलने के लिए आए हैं, हाथ में इनके पोस्टर है। तो ये बताइए, राहुल गांधी से आप लोग क्यों मिलने आए हैं? एक नई खुशी है राहुल गांधी जी से मिलने के लिए, क्योंकि वो देश का भविष्य है। हाँ, देश का भविष्य है और वो देश को आगे ले जाएंगे। नए युवा है, नई सोच रखते, हम नया भारत देखना चाहते हैं, विकसित भारत देखना चाहते हैं। तो कह रहे हैं मोदी जी, हमने भी किया है। मोदी जी ने क्या किया? कभी यूनिवर्सिटी इतनी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जो कांग्रेस के राज्य में बनी है, ना कॉलेज इतने बनाए, ना कोई संस्था इतनी बनाई जो कांग्रेस ने बनाई आज तक। हाँ, बहुत सारी संस्थाएं कांग्रेस ने बनाई, आज इतनी संस्था नहीं बनी। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, जॉब बेच दी, बैंक बेच दी, मतलब कुछ भी क्या बचाया, सब चीजें बेच रहे हैं ये लोग, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए क्या है? अब वैकेंसी खाली है, तब भी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं ये लोग, और अगर निकाल भी रहे हैं तो एक एक साल में मतलब रिजल्ट देते हैं, और रिजल्ट देने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं देते, दो दो तीन तीन साल ऐसा होता है। तो और इसके अलावा अगर कुछ वैकेंसी निकालते हैं, लिमिटेड में निकालते हैं, उसके बाद भी ये क्या करते हैं, उसमें भी घोटाला कर देते हैं। अभी पिछली बार एग्जाम निकली थी पटवारी की 2023 में, जिसमें पेपर घोटाला हुआ, 15-20 लाख में वैकेंसी बिकी गई है, जिसमें सही तरीके से जांच नहीं की गई। इस चक्कर में हमने दोबारा से आंदोलन इंदौर में किया, भोपाल में भी किया, लेकिन पुलिस द्वारा वो वहाँ से आंदोलन को हटा दिया गया था। लेकिन अब दिल्ली की तरफ जाने की हमारी मांग है कि या तो CBI जांच करे या फिर हमारी मांग सुने, दिल्ली में जाकर आंदोलन करें। हाँ, आंदोलन करने की ऐसी मांग है। न्यू एक संगठन है उनका, स्टूडेंट का हमारा, तो वो दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि बताइए, मध्य प्रदेश में 2024 के चुनाव को लेकर क्या माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल दिख रहा है कि इस बार भी कांग्रेस ही आएगी। हाँ, विधानसभा के चुनाव में तो बहुत, विधानसभा के चुनाव में आपको कुछ अलग परिस्थिति है जो मैं इस तरीके से नहीं बोल सकता, क्योंकि हम स्टूडेंट है, क्या है कि उनके खिलाफ जब भी बोलते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक्शनबाजी लेना कर देते हैं। ये लोगों को हमें पता है वो क्या करते हैं। हाँ, सब जानकारी रखते हैं सब लोग थोड़ी थोड़ी। हाँ, अभी क्या हो रहा है, जब भी कोई किसानों के बारे में ट्वीट करता है या कुछ भी करता है तो ट्विटर का अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं ये लोग। तो बहुत सारी ये वो इंक्वायरी करते हैं, इतना अच्छा डर भी है, डर है ना, ये लोगों को क्या करते हैं, गुमराह कर रहे हैं ये लोग, गुमराह कर रहे हैं। जो बोलने वाला है, जो पढ़ा लिखा है, जो ट्विटर कैंपेन कर रहा है, उनको क्या करते हैं, अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे आवाज दबने वाली नहीं है, क्योंकि तुम तो विकास करो ना, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा देश का भविष्य अभी आपके हाथों में। मोदी जी कहते हैं कि साल में 2 करोड़ रोजगार हमने दिया। 2 करोड़ रोजगार कहाँ दिया, 2 साल में एक बार भी नहीं दिया, मेरे को कहाँ लग रहा है। मध्य प्रदेश में तो वैकेंसी आ ही नहीं रही है, ना के बराबर आ रही, तब भी उसमें घोटाला हो रहा है। 2 करोड़ वैकेंसी कहाँ आई है, आप बताइए मुझे। 7 साल हो गए मुझे तैयारी करते करते इंदौर में। NDA और इंडिया में कौन आपको बेहतर दिखाई दे? मुझे इंडिया गठबंधन अच्छा लगा है, और सभी लोग एक साथ मिलके हैं। अगर ये बताओ, अगर देश में अगर गलत नहीं हो रहा था तो इतने लोग एक साथ क्यों आते? किसानों का ले लो थोड़ा सा। हाँ, तो इतने लोग एक साथ नहीं आते अगर गलत नहीं होता, कुछ ना कुछ तो गलत है, तभी तो लोग साथ आ रहे हैं। मोदी जी का क्या देखा, 10 साल हो गए आप लोगों ने मनाया, दो मोदी जी ने क्या किया ये बताओ, क्या किया मोदी जी ने? यूनिवर्सिटी बनाई, क्या यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कॉलेज नहीं बनाए, नए संस्थान कोई भी नहीं बनाए, रेल बेच दी, बैंक बेच दी, और एयरपोर्ट बेच दिया, क्या कर रहे हैं सब लोग, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, GST पड़ रही, इतना महंगाई बढ़ रही, रोजगारी बेरोजगारी बढ़ रही, क्या करा उनने? इन लोगों को पता नहीं है किसी को भी बेरोजगारी बढ़ रही, इनको इनका टैक्स दे रहे हैं ये लोग, पता नहीं है कुछ भी, GST लाकर भर दी हर चीज में। इन किसानों को क्या पता है, इनको पता है GST काफी चीजों को लेकर नाराज है। तो है ना, GST बारे में इनको किसी को पता नहीं है, इनको पता ही नहीं है, मोदी मोदी करते रहते हैं, इनको जानकारी कुछ भी नहीं है, इनको पता नहीं है, एक जेब से ले रहे हैं दूसरी जेब से रख रहे हैं। हाँ, क्या पता है, पूछो किसी से है पता। तो आप सबको जानकारी लेकर आइए, बताइए के यूथ ने 2014 के चुनाव में, 19 के चुनाव में BJP का सबसे ज्यादा झंडा ढोया था। देखो, हर एक चीज का एक समय किया था वोट, नहीं हमने तो नहीं किया, मैं तो उस टाइम पे शायद अवेलेबल नहीं था, मतलब मैं तो मैं ये चाहता हूँ उस टाइम की बात। सब चीज का एक माहौल रहता है, अगर जवानी आती है तो ढलती भी है। हाँ, ऐसा है, हर एक व्यक्ति एक समय, मोदी की ढल गई, जाने वाले हैं मोदी, इस बार राहुल गांधी आने वाले हैं। हाँ, लगता है आपको? लगता है, लगता नहीं आएंगे। 100% तो 300-400 पार कह रही है, तो वो फिर EVM घोटाले का होगा, तो फिर वो EVM घोटाला करते रहते ना, वो सेट कर लेते होंगे वो मशीन। हाँ, तभी तो बोल रहे हैं। एक बात है, कोई कॉन्फिडेंस से क्यों कह सकता है 370 ही आएंगे, 371 भी आ सकती है, पर कम भी 400। हाँ, तो 400 करे 500 भी कह सकती है वो, पर 400 मतलब उनने एक टारगेट सेट कर रखा। तो EVM घोटाला के भी मुद्दे चल रहे, किसान आंदोलन चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, हर एक चीज में विरोध चल रहा है। MP का क्या माहौल है?
एमपी का माहौल यही है कि इस बार कांग्रेस के साथ है पूरी जनता, कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, हाँ क्या माहौल है कांग्रेस में? लो आप अच्छा किसान ही थे? हाँ किसान है। अच्छा, क्या सोच रहे बताइए। ये किसानों के साथ इन्होंने कुछ नहीं किया, 24 में राहुल गांधी आएंगे। आएंगे पक्का? पक्का है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। नहीं गलत, 200 पार भी नहीं होंगे वो। गलत, 400 पार कह रहे हैं मोदी जी। आप क्या लगता है? 200 पार, 400 नहीं, 200। अच्छा मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, 200 पार होगा। मोदी जी कैसे लगते? अरे मोदी ने मार के फेंक दिया मंदिर बन को, अब कहीं बनवा गया जनता लग गई 10 साल बाद। आप तो हटाओ किसान माँ बेटे है, बॉर्डर पे हड़ताल कर रहे हैं बेचारा, कोई सुनवाई नहीं है। मोदी कभी मिलवाए हो किसान से? अच्छा। कभी नहीं आयो। हाँ। और कहीं उनका मंत्री तक नहीं है, 10-10 बेटे रहे किसान बेचारा। हाँ। और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। अब तो परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, परिवर्तन बिल्कुल जी होना चाहिए। 400 पार की बात। अरे कौन का वे तो कह गए भी हम 200 जीतेंगे, वे 600 की किए। हाँ वाराणसी थोड़ी जनता का आत्मवाद है, जनता जीता। अच्छा, इंडिया गठबंधन जो बना है इसको लेकर आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया होगा इंडिया गठबंधन। अच्छा होगा। हाँ बढ़िया। कितनी सीटें इंडिया गठबंधन लग रही है? अरे लग रही खूब जीतेगी, बढ़िया बिल्कुल सरकार बन जाएगी। बीजेपी भी कह रही है वो कहने दो, वो झूठ बोल रही है। अब उनका नाटक क्या काम करते हैं? हम तो मजदूरी करा, मजदूरी करते हैं। तो क्या हो चुके किसान? किसान परेशान है भाई। एक तरफ किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। हाँ किसान आंदोलन चल, उनकी जब किसान की नहीं सुन रही है सरकार तो वह काई की सरकार रहेगी। और के बात तो सपन नीच सरकार रहेगी। और के जब किसान मर गया, जब कोई मंत्री नेता एक मर जावे भारत बंद हो जावे, जब किसान मर गया भले छबीर मरो किसान, उनकी कोई परवाह नहीं है भाई। भाई साहब पोस्टर पढ़ रहे नुके रहे, पोस्टर तो जनता पार्टी का फटेगा, ये तो पेपर है। अच्छा ये बताइए राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, हैं? आप लोग क्या होते रहे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है? बिल्कुल कांग्रेस सिंह को लोकसभा राजगढ़ से टिकट, कांग्रेस को ही वोट देंगे अब। अच्छा बस तो विधानसभा चुनाव में तो आपने बीजेपी जिता दी, इधर आइए। तो मैं पता था जीत कौन रही थी हार कौन गई। हाँ कांग्रेस में देते हुए तब बा करे यार, दे बा मरे दे तो रहे पंजाब है और निकल रहे फूल के। अच्छा देर से पंजाब है निकल फूल के, क्या है जब पड़ गई है टंटन 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 पाल वैसे उड़ गई है। इसी हमें सहन है 170 ही जीते विधानसभा में, 170 की हमें सहन है कहीं उतना ही जीते। मशीन फिक्स कर राखी जी और कहीं मशीन फिक्स? हाँ वो तो फिक्स कर ही है, वो तो हमारे जेवर ने नीट के बचवा दे, उनने 90,000 रुपए करी थी, वो थोड़ा ज्यादा से 4-5 हजार से जीत गए 45। नहीं माँ भी पैक्स का कांग्रेस निकलेगी, माँ तो निकल रही बीजेपी। अच्छा खेल खत्म तो देखते रहेंगे। 24 में कांग्रेस जो वो चला तो कितने सीटें लग रही है? नहीं अंगूठा चला तो हाँ, और मशीन चली तो पैसे मोदी जी आगो वो तो। अच्छा अंगूठा चला तो हाँ तो ईवीएम से। हाँ नहीं वो तो गलत है, अगर ईवीएम से ईवीएम से चुनाव उगाना है तो गलत है, तो बिल्कुल 29 की 29 सीट बीजेपी में जाएगी, में जाएगी। और बैलेट पेपर से हुआ तो कांग्रेस को पक्का में वोट मिलेगा और सीट निकलेगी यहाँ से। हाँ ये पक्का है, भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। तो फिर बैलेट पेपर कैसे होगा? जो ऐसा हो रहा है पिछली सरकार अभी तो बनी है बैलेट पेपर से। आपका भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम जयराज है। थोड़ा तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है? जयराज सिंह, बीनागंज से ही हूँ मैं प्रॉपर। यही से? हाँ जी। तो राहुल गांधी की यात्रा में आए, क्या सोच रहे हैं यात्रा को देखकर? ये यात्रा देख रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए इस बार, परिवर्तन होना। हाँ मोदी जी अच्छे नहीं लग रहे? नहीं मोदी तो अच्छे लग रहे हैं, पर रोड पर नागरिक परिवर्तन होना चाहिए यहाँ से। नागरिक जनता पसंद नहीं करती बिल्कुल भी, जबरदस्ती तोहफे जा रहे हैं यहाँ पे क्षेत्र पे। सांसद की बात? हाँ सांसद की बात कर रहा हूँ मैं, तोहफे जा रहा है जबरदस्ती यहाँ पे, ना उनसे पार्टी परेशान है। वोट आप थोप कौन रहा है? वोट तो आप दे रहे हैं ना, तभी तो जीत रहे हैं। वोट हम तो मोदी लहर में दे रहा है ना, वोट वोट तो जनता मोदी जी को दे रही है ना। अच्छा, नागरिक कौन वोट दे रहा है? हाँ क्या कह रहे इधर आइए। किसानों को कोई बहाना नहीं मिल रहा है, ये बात लगा रही सरकार। इन्होंने विधानसभा चुनाव में 2700 का वादा किया था, कांग्रेस ने जो है 2600 किया था, 100 रुपए बढ़ा के इन्होंने अभी 2275 कर दे रहे हैं। किसान को चाहिए 4.25 हजार, 2700 रुपए क्विंटल गेहूँ चाहिए। और मंडियों में ये हालत है कि किसान कट रहा है, कोई बाहर नहीं मिल रहा है, किसान पूरा असंतुष्ट है। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कांग्रेस सरकार बने तो बात सही मिले। हाँ कांग्रेस सरकार बने के खा रहे हैं बिचौलिया, बिचौलिया लोग खा रहे हैं साले।
हाँ व्यापारी मिल रहे हैं, अब जो है मंडी अध्यक्ष कोई नहीं है, तो ये एसडीएम खा रहे यार, उनको पैसे दे देते हैं, मनमाना पैसा खरीद रहे हैं। किसानों की इतनी लागत बढ़ गई है, उसके अनुरूप उसको कोई मूल्य नहीं मिल रहा। किसान आंदोलन भी कर रहे हैं मालूम है पंजाब में, वो उनका सुनका रही सरकार मजबूरी है, सुनका रही, वो तो वोट लेने के लिए पैसा देकर खरीद रही है। किसानों की मजबूरी आंदोलन करना पड़ रहा है, किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का अधिकारियों को दे रही है सरकार, वही अधिकारी किसानों को डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इनकी तनखा दुगुनी हुई कि नहीं हुई, हर चीज दुगुनी हुई कि नहीं हुई, किसान की कोई चीज दुगुनी हुई हुई क्या बताओ? और जब बोल रहे मोदी 22 तक आई दुगुनी, आधी हो गई दुगुनी, नहीं आधी हो गई, दुगुनी से आधी कम हो गई, ये समझो आप। किसान इतना परेशान है कि किसान ये छोड़ रहा है, हम खेती छोड़ दें तो जिंदगी बचेगी नहीं बचेगी, पूरा लागत में चल जाता है, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता उसको, कोई लाभ नहीं मिलता, इसलिए किसान परेशान है। यहाँ की मेन फसल है धनिया 94 में मैंने 4,000 रुपए क्विंटल बेची है, वो ही आज भी 4,000 क्विंटल बेच रहा हूँ, क्या चाहिए? 34 साल में क्या दिया हमको बीजेपी ने? क्या नहीं, कुछ नहीं दिया। चलिए भैया देखिए, कुछ युवा भी हमारे साथ थे, कुछ किसान भी हमारे साथ थे, और फिलहाल मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, पीछे हम शिवपुरी में थे, इसके बाद आप गुना में हैं, आगे भी चलेंगे और यहां से मुंबई तक चलेंगे, और देश का कुछ हिस्सों का माहौल आपको लगातार हम देखेंगे और दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।